हम लोग जो है ना हॉस्पिटल में थे। अच्छा, तो परसों से फिर आप हॉस्पिटल में पहले बैठ गए थे। वो ना कहा था कि भाई फाइल के लिए इतना वेट करना पड़ता है। अच्छा, तो दो दिन पहले से वेट कर, पहले पेशेंट जाए ना जाए, जाए ना जाए, उसके बच्चे पहले जाए, रूम शूम चेक करें और देखभाल करें कि भी हॉस्पिटल कैसा है। हाँ, सर्टिफिकेट लेना दवाइयों के लिए, और जैसा होता है ना, दो दिन लग गए मुझे वहाँ पर। आज फाइनली अब होगी, आँखों का ऑपरेशन भी हो गया ना। हाँ जी, भी बच्चे स्कूल से जैसे आए तई बार मुस्तफा देख के परेशान, मामी आप इधर ही थी, मैंने कहा कहीं और थी, अभी आ गई हूँ वापस। अच्छी बात है। और यहाँ पर माशाल्लाह तई बार आते ही अम्मी क्या बोली कि मामी कहाँ से आ गई। तो अभी जाते हुए इनको भी लेके जा रहे हैं घर के, दोबारा साजिद भाई को तकलीफ ना होने की। तो यहाँ पर जूस लेके आए हैं, बिस्मिल्लाह आराम से बंद करो, बच्चों ने चीज़ ले ली। तो बस आ गए सब बच्चे। हाँ आ जाए बुआ जी, दरवाजा खोल दिया। इधर ना बाइक है ना साथ में, आराम आराम ना लब्बू आराम ना। आंदे आंदे अम्मी कटिया 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 अम्मी। आयत खुशी लेकर आ गई, अब वो आपको डराने आई है। मुझे नजर नहीं आता, टच करो, कह रही है हाथ लगाओ। टच करो, टच करो, क्यों लेके आए हो? कैसे करूं इसको? कैसे ऐसे करूं, ऐसे करूं? अरे वाह, आयु की तो खुशी है, बहुत प्यारी खुशी आयत की। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। यहाँ पर हमारा आ गया नाश्ता, बेह जो ना हम सबके फेवरेट हैं। अब्बू जो ना दूध के साथ खाना खा रहे हैं, मैं और अम्मी अभी कर रहे हैं नाश्ता। अम्मी आप भी अभी कर रही हैं? हाँ। तो अभी करते हैं नाश्ता। और यहाँ पर आ गई अभी गर्मा गर्म चाय, मम्मी की भी आ गई, अब्बू की भी, और हम लोग फ्रेश हो चुके हैं। अब्बू सुनाए तबीयत का, ठीक है तबीयत? अब टैबलेट खा ली? दर्द तो नहीं है? नहीं है। चलिए चलिए, बस मैं आते ही सो गई थी, अभी फ्रेश हो के उठ गई थी और चाय भी हमने पी ली, और साथ में अब्बू को आड़ू जो ना छिलका उतार के वो भी खिला दी और टैबलेट भी दे दी है। अब तबीयत जो ना अब्बू की बेहतर है, नींद नहीं आ रही। हाँ वो चेकें तो आपको इतनी सारी लगा के दिया, पर हाँ सीधी है। चले फिर कल जो है ना सुबह फिर दिखाना है 7 बजे, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बस यहीं ख़ारिश करें, मैं कह यहीं ख़ारिश करें ना। मेहमान आया गया आदमान दांदा, और यहाँ पर खजूरें जो है ना अभी माशाल्लाह सितारा ने भी खाई, तो अभी मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी खा लूँ, लेकिन फिर सोच रही हूँ दांत में दर्द ना हो जाए। लेकिन ये खजूरें ऐसी वाली ना हमें बहुत पसंद है सबको, तो देखते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई आप ले जाओ साथ खाएँगे, ऐसी वाली जो थी ना बहुत मज़े की और टेस्टी लगती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर तैयबा जाना अपना कलर कर रही है, सुबह स्कूल लेके जा रहा है, तो अभी बेचारी कलर वगैरह सब कुछ लेके आई, अपना होमवर्क करेगी और बाद में ये सोएगी। ये बहुत अच्छी और होनहार और होशियार बच्ची, अपना काम जो है ना टाइम पे करती है, हर चीज़ का ख्याल रखती है, अपने कपड़े यूनिफॉर्म जूते हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बना के रखती है, इसकी ये आदत बहुत अच्छी है। बस थके हुए थे और सुकून भी किया, खाना भी खा लिया, अभी
तो आज है ना हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, मौसम जो है ना बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर अभी सब जो है ना बैठे हुए हैं, अबू से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर फातिमा बैठी है, तो ये क्या कह रही है? फातिमा क्या कह रही हो? क्या कितने की बनी है? अम्मी आप क्या कह रही थी? मैंने कहा ये कहते थे ये पट्टी अब कितने की है। हाँ कितने की है? और फातिमा ने कहा कि कब खुलेगी ना, कितने दिनों बाद खुलेगी। अम्मी कह रही है कि मैं समझी कि कितने की लगी है, ये बहुत महंगी पट्टी लगी है अबू की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ हंसते और मुस्कुराते हुए रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से पहुँच चुके थे और अबू का जो है ना आँखों का वो लेंस लगाना था लेज़र के साथ, जो ना ऊपर मोतिया पता नहीं क्या आया हुआ था जो उन्होंने लेज़र से उठा के ना ऊपर जो ना लेंस लगा दिए। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो ना कमेंट कर रहे थे कि खर्चा जो ना आपने नहीं किया, तो यहाँ पर ये बात पहले ऐशा ने भी क्लियर की, अब दोबारा मैं भी कर रही हूँ। और यहाँ पर टोटल खर्चा जो भी हुआ है ना हमने खुद ही किया है, जैसे हम बहन भाइयों ने मिल के किया है। और यहाँ पर भाभी ने भी कुछ पैसे भेजे थे ऐशा के जैसे अकाउंट में, तो हम सब ने ही खर्चा किया है। बाकी जो ना यहाँ पर किसी और ने, साजिद भाई और सितारा ने कहा था, लेकिन हमने कहा नहीं हम खुद अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी सब लोग कह रहे थे कि ये जो ना अस्पताल जो है ना उसका है, अस्पताल जो है ना वो जो है ना फ्री वाला है। हाँ वाकई अस्पताल फ्री वाला है, लेकिन उसमें अगर आप कहते हो कि भाई हम साहिब जायदाद हैं, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और मेरे अबू के जैसे मैंने बताया था डॉक्टर जो है ना दोस्त हैं सऊदी अरब में, तो उन्होंने अबू को मशवरा दिया था यहाँ के हॉस्पिटल का, यहाँ के डॉक्टर से भी अबू का जो है ना रब्ता करवाया था कि आप इनके नाम बताया था कि इनके पास जाएं, वो अच्छे डॉक्टर हैं आपकी, जैसे शुगर के हैं ना आप पेशेंट, तो आपका ये अच्छे से इलाज करेंगे और सही से जो ना आपकी बिनाई वापस आएगी या नहीं आएगी वो भी आपको बताएँगे। तो वहाँ पर हैं डॉक्टर जो है ना सऊदी अरब में, डॉक्टर यकूब है मेरे ख्याल से, अबू के जो दोस्त भी हैं और डॉक्टर भी हैं वहाँ के बहुत अच्छे, तो उन्होंने बताया था। और हमने खुद पैसे लगाए हैं यहाँ पर आकर, सलमा ने भी दिए हैं, मैंने भी, ऐशा ने भी और मेरे भाई असगर ने भी दिए हैं। ठीक है, टोटल खर्चा जो है ना हमने खुद ही किया है, तो यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूँ। और हम लोग अपने खर्चे पर आए, अपने खर्चे पर ही जाएँगे। अबू का ऑपरेशन हुआ है तो वो भी हमारे खर्चे पर हुआ है, क्योंकि अबू ने कहा कि मैं साहिब जायदाद हूँ, मेरी औलाद भी है। तो अबू को लेंस लगे हैं अच्छे वाले, अमेरिकन कोई लेंस होते हैं जिनकी 95,000 तक कीमत थी और उससे कम भी थे, उससे ज़्यादा भी थे पता नहीं, और जिस तरह होता है अब ये तो हमें नहीं पता। तो उसकी बकायदा हमने जैसे ही मैंने पेमेंट की है, उन्होंने मुझे रसीद भी दिया कि ये इतने के आपके लेंस हैं, इतने जो है ना, बाकी उन्होंने कुछ नहीं लिया, पर्ची का, मेडिसिन का, किसी भी चीज़ का उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, बस हमने लेंस खरीदे हैं वो अपने पैसों से खरीदे हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है ना सुबह जाना है 7 बजे हम लोगों ने जाना है हॉस्पिटल, फिर अबू की पट्टी भी निकलेगी तो पता चलेगा कि भाई अब कैसी तबीयत है, आँखों की बिनाई का ही पता चलेगा सब कुछ। तो ये बात जो है ना क्लियर हो गई कि भाई टोटली खर्चा जो है ना सब ने मिलकर ही किया है अबू के लिए। और इंशाल्लाह अगर ऐसे ही सब मिलजुल कर रहें और ख़र्चा करें अबू का, तो कुछ भी नहीं होता, अपने वालिदैन का हमारा हक है करने का। और ये किसी जैसे कोई कहता है कि हाँ बोझ हैं ये वो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर बैठेंगे तो मैं खर्चा करूँगी, ऐशा के घर जाएंगे तो वो करेगी, और सलमान के घर जाएंगे वो करेगी, सितारा के पास आएँगे तो हम अबू की जेब में जैसे खर्च डालेंगे, अबू जहाँ भी जाएँ अपनी मर्ज़ी से जो ख़रीद सकें, जो खा पी सकें, जो सितारा के साथ रहते हैं खाते पीते हैं। सितारा ने कहा कि नहीं भाई मेरा भी फ़र्ज़ बनता है और मेरे भी बुज़ुर्ग हैं, मेरे भी बड़े हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो खर्च जो है ना मैं उठाऊँगी। ठीक है, तो अगर ऐसे ही बच्चे मिलजुल कर उठाते हैं तो हमें बात करने का या फिर दूसरों को बात करने का हक ही नहीं बनता कि भाई हमारे अबू हैं। तो इस उम्र में भी अबू को कितने गंदे लोग कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, मेरे अबू इतना खर्च भी नहीं करते, खाते भी इतना ज़्यादा नहीं है, बस एक रोटी और दूध का गिलास दे दो अबू पेट भर के खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ देते हैं, और एक टाइम सुबह नाश्ता और रात का खाना ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, वो भी कम।
तो यहाँ पर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं अच्छे वाले जो समझते हैं वो तो खुश हैं कि भी आप बच्चे मिलकर अपने अब्बू को संभाल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि बच्चों अपने इंडिया से जैसे मुझे मैसेज आया था कि आप लोग अच्छा करें, अपने बाप को संभाल के उनकी ज़िम्मेदारी लेके आपके अब्बू जहाँ रहना चाहते हैं रहने दें। हमारे इंडिया में ये है कि मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा कि जब ओल्ड हो जाते हैं ना वालिदैन, जैसे दादी होगी दादा, या बच्चे बड़े हो गए बाहर चले गए अपने वालिदैन को, उन्होंने ना आपके यहाँ अनाथ आश्रम बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ भी कुछ बोलते होंगे, तो वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग संभाल रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी, और हम ये एंड तक करेंगे, सब मिलजुल कर ही रहेंगे और सब मिलजुल कर अब्बू का जो भी खर्चे, इतना है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही कम है, तो वो हम सब मिलकर उठा सकते हैं। ना इस सितारा को कोई प्रॉब्लम है, ना हमें, ना फिर बाकी मेरे बहन भाइयों को, भाभी को, भाइयों को, किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पर जिनको है तो उनका तो अल्लाह ही फिर हाफिज़ है, अल्लाह ही बेली है, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह यही था हमारा व्लॉग, और माशाल्लाह मैं गाँव, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे अब गाँव गई हो फिर वापस आ गई, तो भाई अब्बू ने कहा था मैं कुछ दिनों चेकअप करवाऊँगा, 15-20 दिन देंगे, तो क्योंकि डेट जो ना काफ़ी लंबी देते हैं। तो कल ये अब्बू का नसीब था, जैसे अब्बू गए हॉस्पिटल तो उन्होंने कहा कि आप सुबह आ जाएं, 7 बजे आपको जो ना हमने एडमिट कर लेना है, तो आपका ऑपरेशन भी कल ही हो जाएगा। तो अब्बू ने जैसे ही कॉल की तो ऐशा ने, उस वक्त मैं आई थी ऐशा के घर, मेरा आपने ब्लॉग देखा होगा, तो ऐशा ने कहा कि नहीं चलते हैं। मैंने कहा मेरी दाढ़ों में दर्द है, मैंने दाढ़े निकलवानी है, तो डॉक्टर से मशवरा कर, उन्होंने कहा नहीं अब दाढ़े नहीं निकलवाएं, अगर सफ़र कर रही हैं तो वापस आके निकलवा लेना। तो हम लोग इधर आ गए तो मुझसे पूछे मेरी क्या हाल थी, जब अब्बू को मैं लेके गई हूँ नीचे ऑपरेशन के लिए, तो वहाँ पर तीन घंटे हमें वहाँ पर वेटिंग रूम में लगे, उसके बाद अब्बू अंदर गए, 1.5 घंटे से ऊपर जो है ना अब्बू को लग गया, या फिर आसपास ही लग गए अंदर ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद हम लोग आए, फिर साजिद भाई लेके जैसे आए, खाना खा के सो गई मैं, उसके बाद मैं उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, फ्रेश होके ना फिर अब्बू के साथ गपशप की, अम्मी के साथ, सितारा के साथ, बच्चों के साथ। तो अब जो है ना काफ़ी सारे मुझे कमेंट आ रहे थे, इंस्टा पे भी मैसेज आ रहे, भाभी आप क्लियर करो, बाजी आप क्लियर करो इस बात को कि खर्च किसने उठाया। काफ़ी जो है ना YT पे हंगामा बरपा हुआ कि सितारा ने खर्च किया या फिर किसी और ने किया है, ये लोग ऐसे भागे भागे आए, तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम खर्च वगैरह सब कुछ लेके आए थे। अगर मुझे पता होता कि अब्बू जाएंगे और ऐसा, तो मैं पंजाब ही ना जाती, क्योंकि आते जाते जो है ना इतना लंबा सफ़र, तो मेरी तो जो है ना मती मारी गई है, तो मैं बस क्या बताऊं। अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश हूं, और अब्बू भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दर्द पेन कुछ भी नहीं है, तो ये भी तसल्ली है। तो इंशाल्लाह मिलूँगी कल नए व्लॉग और नए इसके साथ। प्लीज़ जियो और जीने दो, मेरे अब्बू और अम्मी को एक साथ रहने दो, जहाँ भी वो रहना चाहते हैं हमें कोई मसला ही नहीं है। तो आप भी अच्छे अच्छे कमेंट करें, आप भी वालिदैन वाले हैं, बुज़ुर्गों वाले हैं, बच्चों वाले हैं, आज अगर हमारे वालिदैन के लिए ऐसे कमेंट करें तो कल को यही बच्चे आपके साथ वैसा ही सलूक करेंगे। तो इसके लिए खुदारा अच्छे कमेंट करें, दुआएँ दें बुज़ुर्गों को, कि पता नहीं ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, जब अब इंसान ये नहीं सोच सकता कि हम लोग बाहर निकले पता घर ही आते हैं कि नहीं आते, हमारा जो है ना बिल्कुल ही ज़िंदगी का पता नहीं। अल्लाह पाक जो है ना सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और घरों में आबाद और शाद रखे, अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और हमें आगे जो है ना सबको अच्छा मैसेज देना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। आप अच्छे कमेंट करते हैं ना, मुझे तो इतनी खुशी होती है बहुत ज़्यादा। तो जो बीच में करते हैं तो वो भाई उनका, मुझे लगता है वो खुद अपने वालिदैन के साथ ऐसा करते होंगे, या फिर घर में उनका बिहेवियर ऐसा होगा तो ही वो हमें कमेंट करते हैं, तो उनकी मर्ज़ी, तो लगे रहें, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। बस जो अच्छे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे समझते हैं, इतने प्यारे और अच्छे कमेंट करते हैं, वो कहते हैं आपके अब अम्मी जहाँ भी रहना चाहते हैं बस खुश रहें, हम यही चाहते हैं कि वो दोनों आपस में खुश रहें, बस यही चीज़ है। तो हम भी अम्मी और अब्बू को खुश देखना चाहते हैं, सितारा के पास जब तक हैं यहाँ पर रहें, उनकी मर्ज़ी है, जब अब्बू कहेंगे मैं खुद लेने आऊँगा अब्बू को, पंजाब लेके जाऊँगी, या फिर यहाँ से साजिद भाई जो ना मुझे बताएँगे आगे से मैं आके अब्बू को ले जाऊँगी, यही चीज़ है। तो बस मिलेंगे कल नए व्लॉग और नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।